गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग हम मॉर्निंग में शुरू कर रहे हैं। सूरज चढ़ गया है और एज यू कैन सी सनराइज व्यू। ये होटल ग्रीन वुड्स है और यहाँ से कई अच्छा, काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। जस्ट हम लोग रेडी हो गए हैं और नहा धो के दोनों फ्रेश हो गए हैं। अमित भाई हमारे फोटोग्राफी में लगे हुए हैं अपने। प्लस हमने नाश्ता भी ऑर्डर कर दिया है, नाश्ता आ रहा है। और प्लस हमने एक टैक्सी भी बुक कर ली है जो साइट सीइंग वगैरह करा देगी। बिकॉज गाइस हमें थोड़ा जल्दी निकल रहा था तो हमें लगा कि अगर हम लोग खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और यहाँ पे भी ज़्यादा आइडिया भी नहीं है कहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है किधर जाने के लिए। तो इसलिए हमने अभी क्या करा है, सीधे टैक्सी बुक करा ली है। 2000 रुपीज़ में सारे साइट सीइंग करा के धर्मशाला हमें वो ड्रॉप कर देगा। तो आई थिंक इट्स नॉट अ और नाश्ता रेडी है हमारा, नाश्ता रेडी है और खाने की तैयारी है। खुशबू तो काफ़ी अच्छी है, नाइस। सो गाइस 8:05 हो चुके हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है और हम लोगों के बैग वगैरह सारे पैक हो गए हैं। और जल्दी से मैं आपको एक कमरे का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये बेसिकली एक कमरा है जिसमें एक बालकनी भी है, बाहर से छोटा सा बालकनी व्यू है और कमरा डिसेंट सा है, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं है। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी डिसेंट सा है और वॉशरूम में स्पेस अच्छा है, पानी गर्म पानी आता है और पानी की ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वेल एंड गुड है। सीज़न के टाइम पे थोड़ा ओवर प्राइज्ड है बट ठीक है, मतलब 2500 हमसे उन्होंने लिए हैं। एक लिफ्ट भी यहाँ पर है बट हालांकि लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, छोटे छोटे फ्लोर हैं तो स्टेयर से भी जा सकते हैं। आज अब एक स्टेयर यूज़ कर ले, थोड़ा लिफ्ट की जगह देख कर रहा है वैसे बहुत अच्छा है। चल चल स्टेयर से मेरे बिल दे दीजिए यार। टैक्सी आ गई भैया? भैया क्या नाम है आपका? केहर सिंह। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे बंदे हैं, सपोर्टिव हैं। फटक से इन्होंने हमारे लिए टैक्सी का भी अरेंजमेंट कर दिया जल्दी से और आई होप थोड़ा डिस्काउंट करेंगे ओवरऑल बिल में। सो गाइस टैक्सी हमारी आ गई है। भैया क्या नाम है आपका? केवल सिंह नाम है मेरा जी। केवल सिंह जी हमारी टैक्सी राइड कर रहे हैं और हमें बहुत सारे पॉइंट्स घुमाने वाले हैं। यार अमित, वैसे 2 से 3 दिन के लिए यहाँ पर आना कैसा है? ज़्यादा हेक्टिक है या फिर क्या कहते हैं तू? अगर ऐसे वीकेंड प्लान कर दो सर, जो एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलो, मे बी मंडे। हाँ अच्छे से कवर कर सकते हो। यस, एक दिन और एक्स्ट्रा ले लोगे तो थकान वगैरह रहती है वो नहीं रहेगी, है ना? और अच्छे से एक्सप्लोर भी कर पाओगे बेसिकली। जल्दी आपको जल्दी ट्रैक करना है तो उसके लिए मस्ट है कि आपको 3 से 4 दिन। ड्रिवन ट्रैक हम नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, बिकॉज टाइम की कमी है और उसमें काफी टाइम लग जाता है जाने आने में। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे जरूर ड्रिवन ट्रैक आपको दिखाएंगे। और प्लस जब भी आप आए तो एक दिन एक्स्ट्रा लेकर आए, बिकॉज वीकेंड्स में तो काफ़ी यहाँ पर रश रहता है, काफ़ी ट्रैफिक जाम रहता है। मेन प्रॉब्लम ट्रैफिक जाम की है, पता है? अदरवाइज जो लोकेशंस हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, वो आसपास ही हैं, विद इन किलोमीटर्स हैं सिटी से। और बट ट्रैफिक जाम की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है आने जाने में। बाक्सू टेम्पल अभी हम फर्स्ट यहाँ से विजिट कर रहे हैं। सब लोग बक्सू टेंपल पहुंच गए हैं, क्यू लगी हुई है यहाँ पे एकदम। सो गाइस मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए, काफी शांत माहौल है और मंदिर के जस्ट पीछे एक अच्छी सीनरी देखने को मिलती है, काफी अच्छा व्यू है यहाँ से। और प्लस एक यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, पब्लिक स्विमिंग पूल है, ओपन है, कोई भी जाके नहा सकता है। आई थिंक अगर हमारे पास टाइम होता तो हम ज़रूर वहाँ जाके नहाते। आप जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं काफ़ी रश है, काफ़ी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। बक्सू मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं, अब थोड़ा सा यहाँ से पैदल चल के जाना पड़ता है, गाड़ी यहाँ तक नहीं आती है, बहुत ही थोड़ा सा है मार्केट से होते हुए।
यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट भी है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, सामान वगैरह मिलता है अच्छा, और बहुत सारे होटल्स यहाँ पर हैं। होटल से बहुत नज़दीक है तो बेस्ट आइडिया है कि यहीं होटल ले लें और सीधे सुबह उठ के स्विमिंग पूल में आ जाए, अमेजिंग फन हो सकता है। सो गाइस हम लोग बौद्ध टेम्पल पहुँच गए और यहाँ से एंट्री है। तिब्बती राष्ट्रीय शहीद स्मारक, शहीदों की याद में। सो गाइस हम लोग टेम्पल पहुँच गए हैं, भाई सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। फाइनली हम लोग वहाँ से डल लेक पहुँच गए हैं, और प्लस एक टिप है, अगर आप लोग चर्च वाले रास्ते से आ रहे हैं तो चर्च से जो रास्ता सीधे ऊपर आया था एक सीमेंटेड रोड आती है वहाँ के रास्ते आ जाइए, बिकॉज अगर आप सीधे स्ट्रीट रोड से घूम के आते हैं वहाँ से बहुत ट्रैफिक मिलता है, तो ये काइंड ऑफ शॉर्टकट है और जल्दी ही पहुँच गए, बस थोड़ा सा लंबा है और रास्ता सही है, पूरा सीमेंटेड रास्ता है। कोई सीरियसली डिसअपॉइंटेड हुआ यार यहाँ डल लेक आके, मुझे लगा था डल लेक है डल झील के नाम से इंस्पायर्ड है तो काफ़ी सुंदर होगी, बट बिल्कुल उसका उल्टा है, काफ़ी गंदी सी है, बट स्टिल लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। सो हम लोग आ ही गए तो हमने सोचा कि यार फोटोग्राफी भी कर लेते हैं और आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस आप लोग खुद ही देख लो आना वर्थ है या नहीं, पूरी मटमैली झील है और एज सच कुछ खास व्यू भी नहीं है। स्पर्श कहाँ से है वो आप? उत्तराखंड। अरे वाह मैं भी उत्तराखंड का हूँ यार, हाथ मिला दो। उत्तराखंड में कहाँ से? उत्तराखंड में कहाँ से? शक्ति विहार कॉलोनी रूम नंबर 4 हाउस नंबर 14। अरे बिग भाई कहाँ से? नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कहाँ से मतलब? अरे कहाँ रहते हो यार उत्तराखंड में, तुम्हें नहीं पता? उत्तराखंड में रुद्रपुर। रुद्रपुर ऐसा बोलो ना, हल्द्वानी से जो पहले पड़ता है। मैं भी हल्द्वानी रहता हूँ भाई। वेरी गुड। मम्मी पापा के साथ आयो? मम्मी पापा के साथ आयो? नहीं दादा दादी। दादा दादी के साथ आयो? वेरी गुड। दादा दादी वहाँ बैठे हैं। डल लेक के बाद एक अच्छी बात यह है कि यहीं पे चिंतपूर्णी माता का मंदिर है और एक और टेंपल है, दो टेंपल यहाँ पर है जस्ट पीछे, इधर इधर और इधर, तो अगर आपको लेक पसंद नहीं आई तो आप वो टेंपल्स विजिट कर सकते हैं। हम लोग भी अभी टेंपल ही जा रहे हैं, तो आई गेस डल लेक का पैसा वसूल टेंपल में हो जाना चाहिए। श्री दुर्वेश्वर महादेव डल धर्मशाला, जय भोलेनाथ। शिव मंदिर यहाँ पर है, यहाँ से डल लेक का भी नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ से डल लेक का नज़ारा भी ले सकते हो। शिव जी का मंदिर है, उसके जस्ट सामने चिंतपूर्णी माता का मंदिर है। शिव जी के बढ़िया दर्शन हो गए, इसके बाद हम लोग चिंतपूर्णी माता मंदिर जाएंगे। जय माता दी। तो भाई चिंतपूर्णी माता के मंदिर के दर्शन हो गए हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन है यहाँ से, इसके बाद हम लोग सीधे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चलेंगे। अरे ये थैंक यू। सो गाइस चलते चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अपना नदी व्यू आ गए हैं, यहाँ से लोग टेलीस्कोप की मदद से व्यू दिखा रहे हैं, वैली दिखा रहे हैं, सामने जो आप लोगों को वैली दिख रही है। सो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है नदी व्यू और ये लोग यहाँ से टेलीस्कोप की मदद से व्यू दिखा रहे हैं, और भैया बताएंगे कि क्या क्या व्यू हम देखने वाले हैं। अभी आप टेम्पल देखेंगे सर, इसमें सबसे पहले टेम्पल सारे बता दो, झरना,
वैली कभी। सो गाइस अगर आप लोग यहाँ से आते हो तो आप इन व्यूज को टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। सो गाइस मात्र 10 रुपए में आप ये सारे व्यूज देख सकते हैं, ठीक है, काफी चीप है और अलग अलग विलेज वगैरह यहाँ पे दिखाते हैं और मात्र 10 रुपए में। व्यू देखने के अलावा बाकी यहाँ पे कुछ ड्रेसेस वगैरह हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप कुछ सामान खरीद सकते हैं और प्लस यहाँ की लोकल ड्रेस में फोटो खिंचवा सकते हैं। सो गाइस अब हम लोग एक पराठा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आलू का पराठा और एग का पराठा खा रहे हैं। एक कैफे है यहाँ पे, नाम क्या लगा? ओम कैफे। यस सो गाइस यहाँ पे एक ओम कैफे है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने रॉ मटेरियल से बनाया हुआ है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और रूफ टॉप पे है और व्यू भी यहाँ से दिखता है काफ़ी अच्छा। तो गाइस इसके बाद आंगड़ा आर्ट म्यूजियम हम आए हुए हैं और यहाँ पे आप चाहो तो आ सकते हैं और काफ़ी अच्छे नक्काशियाँ आपको देखने को मिलेगी, प्लस पुरानी मूर्तियाँ और कई सारे पुराने आभूषण आपको देखने को मिलेंगे और कई सारी पेंटिंग्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इस म्यूजियम के सामने आपको एक सीनरी भी देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी सीनरी है, काफ़ी रंग बिरंगे मकान देखने को मिलते हैं लाल और हरे कलर के, प्लस साथ में ऊपर से पैराग्लाइडिंग हो रही है। सो गाइस म्यूजियम के बाद उसी रूट पर चाय का बागान भी पड़ता है जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे, काफ़ी तरह की चाय यहाँ पे उगाई जाती है। बाद अब हम आ गए हैं शहीद स्मारक पे जो कि बिल्कुल जस्ट रोड के बगल में है। 10 रुपये की टिकट है, ज़्यादा महंगा नहीं है और 10 रुपये पर पर्सन है और आप लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, आई गेस शाम को और भी अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। ये आप लोग देख रहे हैं जस्ट मेरे पीछे शहीद स्मारक है, इंडियन नेवी भारतीय नौसेना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीछे पूरा शिप बनाया हुआ है। हम सैल्यूट करते हैं उन जवानों को जो 6-6 महीने तक समुद्र में रहते हैं अपनी फैमिली से इतना दूर, सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा के लिए, ताकि सेफली हम लोग यहाँ अपनी कंट्री में रह सकें। शहीद पार्क के बाद हम लोग धर्मशाला स्टेडियम जो इंटरनेशनल स्टेडियम है वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे आपका ज़्यादा टिकट नहीं है, 20 रुपये का टिकट है, बट 1:30 से 2 बजे के बीच टिकट काउंटर बंद रहता है बिकॉज ऑफ लंच। व्यू के लिए स्टेडियम बहुत अच्छा माना जाता है, तो चलिए देखते हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा है अंदर से। विजिटर्स के लिए अलग से एंट्री है यहाँ पे दुनिया में। सो फाइनली एट धर्मशाला स्टेडियम, व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से। यह है वो इंटरनेशनल स्टेडियम जहाँ पे अभी रिसेंटली इंडिया के मैचेस भी हुए थे, किससे हुए थे मम्मू पता नहीं। और जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्टेडियम है, यहाँ पे मैचेस वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं और ये स्टेडियम वन ऑफ दी ब्यूटीफुल स्टेडियम माना जाता है। आज थोड़े बादल लगे हुए हैं तो व्यू उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है, अदरवाइज बहुत अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। और प्लस उधर जैसे कि आप देखते हैं पिच अभी कवर किया हुआ है बिकॉज ऑफ यहाँ बारिश होती रहती है और यहाँ से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं और बाकी नॉर्मली व्यू ले सकते हैं स्टेडियम का अगर आपने इंटरनेशनल स्टेडियम अभी तक नहीं देखा है तो। और इसके बाद हम लोग यहाँ से सीधे बस पकड़ेंगे, अगर दिल्ली के लिए बस मिल जाएगी तो दिल्ली के लिए बस पकड़ेंगे, अदरवाइज यहाँ से चंडीगढ़ के लिए बस लेंगे और उसके बाद चंडीगढ़ से दिल्ली जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर इस ट्रिप से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशंस है तो कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।